जिंदगी के हर कदम पे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, चाहे स्कूल में मॉनिटर बनने का मौका हो या फिर कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने का, जॉब में प्रमोशन मिलने का मौका हो या फिर जिंदगी में अच्छे पार्टनर मिलने का। आपका एक गलत कदम आपको इन सब से दूर कर सकता है। और इसलिए आज मैंने आप लोगों के लिए 15-16 घंटे रिसर्च किया है और मुझे पता चला कि इन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज ने सबके लिए अच्छे फोन बनाए, चाहे आपका बजट कितना ही क्यों ना हो। लेकिन जब आपको उनके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, लोगे कैसे? देखो, ज्यादा टाइम पास करके फायदा नहीं है। आज आपका बजट चाहे 10,000 हो या फिर 1,00,000, निराश नहीं होने दूंगा। और हर बजट में 6 कैटेगरीज के फोन्स बताने वाला हूँ, जैसे कि डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर। और कुछ लोग होते हैं ना जिनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि फोन अच्छा होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक ओवरऑल वाली कैटेगरी भी है। अब ये पापी दुनिया भले ही ज्यादा पैसे वालों को प्रायोरिटी दे, बट मैं तो 10,000 वाले फोन से ही शुरुआत करूंगा। अब अगर आपको डिस्प्ले सबसे ज्यादा मैटर करता है तो एक जबरदस्त फोन है मेरे पास, Infinix Hot 25G, क्योंकि इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब जनरली इस बजट में आपको 90 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं मिलता और कुछ कुछ फोन्स में तो 60 हर्ट्ज भी है, मतलब इसके डिस्प्ले मेरे गालों से भी ज्यादा स्मूथ है, चला के देख लेना। नेक्स्ट बात करूं कैमरास की, तो यहाँ पे आप Redmi 12 5G को ले सकते हो। अब वैसे तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप भी मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल विद f1.8 अपर्चर, और डेप्थ कैमरास के बारे में बात ना करने की कसम मैंने बहुत पहले ही खा ली थी। खैर, इस प्राइस रेंज के कैमरास एवरेज ही होते हैं, बट Redmi के इवन बजट कैटेगरी के फोन में भी अच्छे फोटोज आते हैं। अब iPhone से कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? रही बात बैटरी की, तो फिर से हमारी उंगली Infinix Hot 20 की तरफ जाती है, क्योंकि इस फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। इससे ज्यादा उम्मीद भी मत करना, बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 5 वाट की रिवर्स वायर चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि बहुत कम ही फोन्स में देखने को मिलता है। पता नहीं आईफोन्स में कब मिलेगा। साले तू, सस्ते फोन्स में अच्छी परफॉर्मेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी Redmi ने ये वाला फोन लॉन्च करके उस कमी को भी पूरा कर दिया है। तो इस फोन में Snapdragon का 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि लिटरली 10,000 नहीं 15,000 वाले फोन्स में होना चाहिए। मतलब डे टू डे परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, साथ में गेमिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और गेमिंग से मेरा मतलब है नॉर्मल गेमिंग। कल को Genshin Impact डाउनलोड करके ये मत बोलना कि भाई मेरे फोन से धुआं क्यों निकल रहा है। इवन सॉफ्टवेयर के मामले में भी मुझे यही वाला फोन अच्छा लगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें ब्लोटवेज नहीं मिलते, बट अपडेट्स के मामले में Redmi का सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जहां पे दूसरे ब्रांड्स पैसे लेने के बाद भी अपडेट्स नहीं देते, चाहे कितना ही शोर क्यों ना मचा लो। मतलब ओवरऑल बात करूं तो 10,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से Redmi 12 5G इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इन द मार्केट राइट नाउ। इसी को कोई एतराज हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। दस हजार के अंदर फोन्स लेने वालों की उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, लेकिन 15,000 वालों के कुछ ज्यादा ही होते हैं। टेंशन मतलब सब मिलेगा। और अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आंख बंद करके पोको X5 को ऑर्डर कर देना, मतलब ऑर्डर करने के टाइम पे आंखें खुली रखना, कहीं गलती से सैमसंग का ना हो जाए। क्योंकि 10-15,000 के सैमसंग फोन्स उतने अच्छे नहीं होते, कुछ को छोड़कर। जैसे सैमसंग का F23 5G आज भी अच्छे फोटोज क्लिक करता है, और पर्सनली मैंने इस फोन से बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी लिए हैं। अपनी प्राइस रेंज के अंदर अच्छे अच्छे को बीट कर सकता है ये। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम ही ऐसे फोन्स हैं जिनमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया हुआ होता है, क्योंकि आजकल 15-25,000 वाले फोन्स में भी कंपनी चूना लगा जाती है। बहुत तेज हो रहा है। रही बात बैटरी की, तो एक अलग कंपनी की बात करते हैं। ये है टेक्नो पोवा 5 प्रो, जिसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 68 वाट की फास्ट चार्जिंग। कोई एप्पल या सैमसंग के किसी एम्प्लॉय को जानता है क्या? उसको ये वीडियो भेजो और बोलो 20-30 को फास्ट चार्जिंग नहीं बोलते हैं। सच में यार, बैटरी कैपेसिटी भले ही नॉर्मल हो, बट फास्ट चार्जिंग इतनी है कि 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा, वरना सैमसंग का फास्ट चार्जर तो है ही क्यों। अब फोन कैसा भी हो, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत रिग्रेट होता है। और इस एरिया में Motorola ने रिसेंटली एक जबरदस्त फोन लॉन्च किया है, जिसमें Dimensity 7020 का प्रोसेसर मिलता है। वैसे भी Motorola के फोन्स परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में जबरदस्त काम करते हैं, बट पता नहीं क्यों अपडेट देने में ये लोग कछुए बन जाते हैं। बट हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी उतना ही ज्यादा मैटर करता है। भले ही लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आता है, जो कि Motorola के फोन्स में होता भी है, लेकिन अपडेट्स तो आपको सैमसंग देगा ना, और इसलिए इस डिपार्टमेंट में भी सैमसंग का F23 5G मस्त रहेगा। और इस फोन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फुल One UI मिलता है। जनरली सैमसंग अपने बजट फोन्स में One UI और देते हैं, जो कि Samsung A14 एंड M14 में आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, नहीं तो ये मेरे लिस्ट में भी नहीं होता। अब 15,000 की प्राइस रेंज में इतने सारे फोन्स हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे Poco X5 एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इसमें सब कुछ एवरेज से बेटर है, चाहे डिस्प्ले की बात करो या फिर परफॉर्मेंस की, बैटरी की बात करो या फिर कैमरास की, सब कुछ अच्छा है, बस मदरबोर्ड को छोड़कर। देखो, मुझे भी पता है कि पास्ट में इनके कुछ फोन्स के साथ बहुत बुरा हुआ है, और उनके यूजर्स के साथ तो और भी बुरा। बड़ा फिर से ये लोग ट्रैक पे आ गए हैं, और पर्सनली मैंने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया है कि वैसा कोई बड़ा इंसिडेंट मार्केट में नहीं आया, तो दोबारा आप इस पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि भरोसे पे तो दुनिया कायम है।
इंडिया में मोस्टली 60-70% लोगों का बजट 15-20 हजार ही होता है, और एक 20 हजार के फोन में ऑलमोस्ट सब कुछ होता है जो आपकी नीड को पूरा कर सके। ज्यादा पैसे तो लोग शौक के लिए लगाते हैं। अब जैसे अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप Realme 10 Pro Plus को कंसिडर कर सकते हो। 120Hz AMOLED, SGI 10 Plus का सपोर्ट, 90% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब इसके डिस्प्ले में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बाकी देखोगे क्या वो तो आप पे ही डिपेंड करता है। तू समझा? रही बात कैमरास की, तो यहाँ पे सैमसंग का M34 एक ट्रस्टेबल कैमरा सेटअप लेके आता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विद F1.8 एपर्चर, और रात में फोटोग्राफी करने के लिए OIS भी दिया हुआ है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जिसके अंदर 120 डिग्रीज का FOV मिलता है, और 2 मेगापिक्सल कैमरे की बात हम अगले साल करेंगे। अब फोन अच्छा ले रहे हो तो बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए, क्यों? और बैटरी डिपार्टमेंट में पोको X5 Pro से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है एंड ऑलमोस्ट सब फोन्स में इतनी बैटरी कैपेसिटी मिलती है। बट 67W की फास्ट चार्जिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, साथ में रिवर्स वायर चार्जिंग ने तो सोने पे सुहागा का काम किया है। और एक फोन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छा, और इस डिपार्टमेंट में हैंड्स डाउन Redmi K50i विनर है। वैसे तो इसमें MediaTek का Dimensity 8100 वाला प्रोसेसर मिलता है, और मैंने इसमें बहुत सारे गेम्स खेल के भी देखे हैं। कभी डव साबुन इस्तेमाल किया है? उससे भी ज्यादा स्मूथ है ये। अब हार्डवेयर तो इस फोन में अच्छा है, बट सॉफ्टवेयर के लिए फिर से हम सैमसंग की तरफ ही जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी बोलो सैमसंग का One UI अभी भी टॉप पे चल रहा है। आई नो स्टॉक एंड्रॉइड से ज्यादा स्मूथ है, बट फीचर्स और कस्टमाइजेशन का क्या, वो तो सैमसंग में ही मिलेंगे ना। ओवरऑल देखा जाए तो सभी फोन्स में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है, बट मेरे हिसाब से Realme 10 Pro Plus एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि लॉन्च तो 30,000 की प्राइस पॉइंट पे हुआ था, बट अभी करेंटली इसकी प्राइस कभी 21,000, कभी 22,000, तो कभी 23,000 पे रहती है। जैसे ही 20,000 के अंदर आए ना, छोड़ना मत। अब 25,000 के फोन्स में सब कुछ अच्छा मिलता है, जैसे डिस्प्ले के लिए आप Moto H 40 या फिर Realme 11 Pro Plus में से किसी को भी ले सकते हो, बस आपको कर्व डिस्प्ले पसंद होनी चाहिए। बट आजकल सबको बेस्ट कैमरा चाहिए, और इस बजट में Pixel 6 से अच्छा कैमरा आपको किसी और फोन में नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन अच्छे अच्छों की हालत खराब कर सकता है ये, समझ में आया क्या? और अगर आपके लिए बैटरी सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो फिर Iqoo Neo 7 लेने के बाद आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 5000mAh की बैटरी विद 120W की फास्ट चार्जिंग। बाबा रे, कुछ सीखो आईफोन वालों, कुछ तो शर्म करो, खाली पैसे लेना जानते हो? बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। और अगर गेमिंग करना चाहते हो तो दो फोन्स, उनको छोड़कर तीसरा मत लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पहला है पोको F5, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 का प्रोसेसर मिलता है, और सच बोलूं तो ये वाला फोन बहुत सारे स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज वाले फोन से भी बेटर परफॉर्म करता है। बट दूसरे वाला थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद है, Iqoo Neo 6, जिसमें स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिलता है, और सच बताओ तो मेरे 3 साल के यूट्यूब करियर में अगर मेरे से कोई सबसे स्टेबल प्रोसेसर का नाम पूछेगा ना, तो आंख बंद करके इसी का नाम लूंगा, क्योंकि बोलने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में अब भी ये ब्रांड थोड़ा पीछे है, और सबको पता है कि पिक्सल और सैमसंग से सॉफ्टवेयर में जीत पाना थोड़ा मुश्किल है, सच बोलूं तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल। लेकिन ओवरऑल अब भी मेरे लिए Iqoo Neo 6 बेटर है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस तो तगड़ी है ही, और पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर और कैमरास पे बहुत ज्यादा काम किया है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये वाला फोन सजेस्ट किया है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कमेंट्स में बताना जरा। अब इतने पैसे लगा के खराब डिस्प्ले वाला फोन तो लोग है नहीं, एंड इस प्राइस रेंज में डिस्प्ले के लिए आप Vivo V27 को कंसीडर कर सकते हो। बट मैंने ये फोन सिर्फ डिस्प्ले के लिए सजेस्ट नहीं किया है, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कैमरास के मामले में भी ये फोन तगड़ा है, और Vivo की फोटोग्राफी के बारे में बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि हम सब ने बचपन में एक बार Vivo का फोन तो जरूर इस्तेमाल किया होगा। बट इसी प्राइस रेंज में आपको iPhone 12 mini और S21 FE भी मिल रहे हैं, जो कि अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ही जाने जाते हैं, और मैंने इन दोनों ही फोन्स का डेडिकेटेड रिव्यू अपने चैनल पे भी पोस्ट किया है, देखना चाहोगे चैनल पे जाओ और थोड़ा सा स्क्रॉल करना, मिल जाएगा। लेकिन जब बात बैटरी की आती है, तो इन दोनों फोन से आप थोड़ा दूर ही रहना, बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे Iqoo Neo 7 Pro बेस्ट है। रीजन ये है कि इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है विद 120W की फास्ट चार्जिंग। और हाँ, आप लोगों को बताना भूल गया कि एप्पल और सैमसंग भी अपना 100W वाला चार्जर भी लॉन्च करने वाले हैं, पता है कब? इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भी यही वाले भैया चैंपियन है। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर, Adreno 730 GPU, 8GB रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज, मतलब सब कुछ एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस वाले स्पेक्स है इसमें। और सिर्फ स्पेक्स नहीं है भाई, काम भी उतना ही तगड़ा है। लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में फिर से यही दोनों ब्रांड्स बाजी मार जाते हैं, दोनों को ही ऑलमोस्ट 3 साल और अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टेंशन तो Motorola वालों को होना चाहिए, इसलिए तो सजेस्ट नहीं किया। लेकिन ओवरऑल बोलूं तो ये दोनों फोन्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। S21 FE को तो आज भी मैं एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज करता हूं, झूठ नहीं बोलता मैं। और रही बात Vivo V27 की, तो ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें सब कुछ एवरेज से बेटर है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर्स की रिक्वायरमेंट भी यही होती है ना। बजट 40,000 का हो गया है, और ज्यादा टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले के लिए आप Xiaomi 12 Pro या फिर Iqoo 9 Pro में से कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों की स्क्रीन साइज और डिस्प्ले क्वालिटी जबरदस्त है, और वीडियोस देखने का असली मजा बड़े स्क्रीन पे ही आता है।
क्यों तू समझा। लेकिन कैमरास के लिए अभी दो तीन दावेदार हैं, जिसमें से पहला है आईफोन 12 जिसको मैंने अपने सीने से लगाकर 2 साल तक इस्तेमाल किया है। पिक्सल 7 है जो कि अपनी फोटोग्राफी के लिए ही जाना जाता है, और Xiaomi 12 Pro जिसने पिछले साल कैमरास के मामले में S22 Ultra को भी टक्कर दे दी थी। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ चीजों में हार गया था, बट बैटरी के मामले में फिर से यहाँ Xiaomi और iQOO के बीच कॉम्पिटिशन है, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम बैटरी कैपेसिटी मिलती है। इवन वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग भी सेम ही स्पीड की है, कुछ ज्यादा ही कॉपी कैट निकले ये तो। सेम केस परफॉर्मेंस का भी है, क्योंकि सीपीयू भी सेम, जीपीयू भी सेम, और दोनों को बनाने वाली पेरेंट कंपनी का नाम भी सेम। अरे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स सब उसी के चले है ना। हाँ, बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक नहीं चलती, बिकॉज यहाँ पे आईफोन और सैमसंग ने पहले से ही अपने झंडे गाड़ रखे हैं, और उनको हराना बच्चों का खेल नहीं है, खासकर जब उन बच्चों का नाम Xiaomi और iQOO। बट ओवरऑल बोलूं तो अगर किसी को प्रीमियम डिवाइस एक्सपीरियंस करना है तो वो एक बार आईफोन 12 की तरफ जरूर देखना, देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। बट अगर आपको एंड्रॉइड ही लेना है तो फिर आप iQOO 9 Pro ले सकते हो। हाँ, Xiaomi 12 Pro में भी सेम ही स्पेक्स हैं, बट iQOO पे मुझे थोड़ा ज्यादा भरोसा है। और भरोसे से याद है कि सेल के टाइम पे आपके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल वही करना है जिसपे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। और इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Flipkart का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि जिंदगी भर आपको अनलिमिटेड कैशबैक देगा। और ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ Flipkart पे ही यूज कर सकते हो, Myntra, ClearTrip, Uber, PVR और भी बहुत जगह आप इसका फायदा उठा सकते हो। और अगर आपका कहीं घूमने का मन किया तो इसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस भी मिलता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि जैसे ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे और वहां पे ज्वाइन करोगे तो आपको ₹500 का Flipkart वाउचर तुरंत मिल जाएगा, बिना किसी देरी के। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको कपड़े खरीदने का बहुत शौक होता है, तो Myntra पे 15% का कैशबैक का भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। और अगर 15% का डिस्काउंट चाहिए तो स्विगी पे मिलेगा ना आपके पहले ऑर्डर पे। सारे फायदे यहीं पे बता दूं क्या, खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे? जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई नो इस प्राइस रेंज में इस बार सब आईफोन 13 लेने के पीछे ही पड़े हुए हैं, लेकिन इस फोन में सब कुछ बस थोड़ी ना है। जैसे डिस्प्ले के लिए आपको iQOO 11 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बोली है कि वीडियोस देखने का असली मजा तो बड़े डिस्प्ले में ही आता है, छोटे डिस्प्ले को तो आंखों के सामने लाना पड़ता है। बट कैमरास के लिए आप iPhone 13, Samsung S22 और Vivo X80 ले सकते हो। ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं, अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो तो फिर iPhone लेना, नहीं तो कोई सा भी ले लो, रिग्रेट नहीं करोगे, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। हाँ, बट बैटरी के लिए शायद आपको Moto S30 Ultra की तरफ जाना पड़ेगा। 4610 mAh की बैटरी, 125W की फास्ट वायर चार्जिंग, 50W की वायरलेस चार्जिंग, 10W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, इससे ज्यादा और कोई ब्रांड नहीं देने वाला। ये बात अलग है कि परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में हमेशा iQOO ही होने वाला है, और यहाँ पे फिर से मेरी उंगली iQOO 11 की तरफ ही जा रही है। आपकी नजर में कोई और है क्या, कमेंट्स में बताना जरा। बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में तो आंख बंद करके मैं iPhone 13 और Samsung के S22 को ही अवार्ड दूंगा, क्योंकि भरोसेमंद तो यही दोनों ब्रांड्स हैं, बाकी सब तो ओवरऑल बोलूं तो सबको पता है iPhone 13 इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन इन दिस BBD सेल, और इसकी प्राइस ऑलरेडी 52 तक आ गई है, कुछ दिन और रुको, 50 के नीचे भी आएगी। अब इतने पैसे लगा के Redmi Realme का फोन तो लोगे नहीं, इसलिए डिस्प्ले के लिए S22 Ultra। Samsung के डिस्प्ले के बारे में बताने लगा तो दिन कम पड़ जाएगा, इवन कैमरास के लिए भी S22 Ultra, लेकिन लिस्ट में अब मेरा नया फोन iPhone 15 भी ऐड हो चुका है। साथ में अगर किसी को सुंदर सुंदर फोटो चाहिए तो Vivo का X90 Pro भी जबरदस्त कैमरा के साथ आता है, एक बार ट्राई करके देखिए, मजा आएगा। लेकिन बैटरी के मामले में iPhone 14 Plus से ज्यादा बैकअप देना किसी फोन की बस की बात नहीं। हाँ, चार्जिंग थोड़ी स्लो है एक्चुअली, बहुत ज्यादा, तो उस केस में आप iQOO 11 ले सकते हो। इवन परफॉर्मेंस का भी सेम ही सीन है, क्योंकि iQOO 11 में वो सब चीजें मिलती हैं जो कि एक गेमिंग फोन में होनी चाहिए, तो इसको छोड़कर किसी और को लेना बेवकूफी होगी। और सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में S22 Ultra और iPhone 15 को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कुछ ज्यादा ही मुश्किल। और ओवरऑल भी मेरे हिसाब से यही दोनों फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, मनी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट फोन भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब जिनको पैसों की दिक्कत है ही नहीं, उनको मेरे जैसा गरीब क्या ही सजेशन देगा। मार्केट में बेस्ट फोन तो अभी S23 Ultra और iPhone 15 Pro Max ही है। आपके ऊपर है, आपको Android पसंद है या iOS, इससे ज्यादा मैं ओपिनियन तभी दूंगा जब मेरे पास इन दोनों को साथ में खरीदने के पैसे होंगे। अच्छा, हाँ मालूम है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, बट BBD सेल भी तो बार बार नहीं आएगा ना। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करो, अगर मेरे साथ साथ दूसरों का ओपिनियन भी चाहते हो तो। नहीं तो आज भी मैं Instagram पे सबको आंसर करने का ट्राई करता हूँ, बस आजकल मैसेजेस कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आपको इस BBD सेल में iPhone ही लेना है तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बजट 30 से लेकर 50,000 तक है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्ता ला वीस्ता।